क्या खुद एम्स बीमार है? क्योंकि ये बड़ा सवाल इसलिए उठा है क्योंकि एम्स में एक और डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है। क्या कर रहे हो फिर? इसके रोलिंग मोशन के क्वेश्चन अभी भी नहीं लग रहे ना, टॉक निकालना तो आ नहीं रहा होगा। लेकिन ये लगता जरूर होगा कि एक बार ये सब कर लूं मैं, उसके बाद तो लाइफ सेट है। पर ये आएंगी ना तुम्हें एप्रेन और स्टेटस खुद पहनाने। और दोस्त सच बात कुछ और है, आओ तुम्हें बताता हूँ। आज से 2 साल पहले अनुराग कुमार, जिन्होंने एम्स दिल्ली से एमबीबीएस करी थी और जिनकी नीट पीजी में इतनी अच्छी रैंक आई थी विद ऑल इंडिया रैंक ऑफ 65 कि उन्हें एम्स दिल्ली में अगेन पीजी करने का मौका मिल रहा था, दे वेंट टू द 10th फ्लोर ऑफ देयर हॉस्टल बिल्डिंग एंड कमिटेड सुसाइड। अनुराग कुमार वाज फेमस फॉर देयर क्योरा प्रेजेंस। उन्होंने क्योरा पे हम जैसे बच्चों के डाउट क्लियर किया करते थे। उस टाइम पे यूट्यूब वगैरह का जमाना नहीं था, क्योरा का जमाना हुआ करता था, जब क्योरा पर बच्चे डाउट पूछ करके अपने जो भी गाइडेंस अपने सीनियर से वो लेते थे। मैं पर्सनली अनुराग सर से कई सारी गाइडेंस और कई सारे उनके आंसर्स रीड करता था जब मैं नीट एस्पिरेंट था। इस पूरे मामले की जांच करें तो पता चलता है कि अनुराग सर ने सुसाइड करने के 20 दिन पहले मीडियम पर एक आर्टिकल लिखा था जिसका टॉपिक था अ साइकेट्री ट्रेनी स्ट्रगलिंग विद डिप्रेशन, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे जब उन्होंने अपना नीट पीजी दिया था, सोचा तो नहीं था बट उस एग्जाम में एक अच्छी रैंक लेने के बाद लो फील कर रहे थे वो और काफी ज्यादा डिप्रेस फील कर रहे थे। उन्होंने अपना खुद का एक स्टार्टअप स्टार्ट करने की सोची, दे वर अनक्लियर कि उन्हें कौन से ब्रांच में जाना चाहिए बट दे चूज साइकेट्री। उन्होंने अपने आर्टिकल में मेंशन किया है कि फेब के टाइम पे वो इवन ये सोचने लगे थे कि किस तरीके से वो सुसाइड कर सकते हैं। पहले उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो अपनी हॉस्टल की बिल्डिंग से कूद जाए, बट उन्हें डर था कि अगर वो बच गए तो उन्हें पूरी लाइफ पैरालिसिस के पेशेंट की तरह बतानी पड़ेगी। उन्होंने फिर हैंगिंग करने की सोचा बट देन ही रियलाइज कि वो ओवरवेट है और फैन उनका वजन नहीं झेल पाएगा। फिर उनको इंटरनेट पर एक वेबसाइट मिली जो कि बल्क क्वांटिटी पॉइजन प्रोवाइड कर रहा था और उन्होंने अपनी पूरी इंटर्नशिप की कमाई उस पॉइजन को खरीदने में लगा दी। बट अल्टीमेटली उन्होंने अपने फ्रेंड को ये बात बता दी, जिस वजह से उनके फ्रेंड ने उन्हें उसी साइकेट्री वार्ड में जिनमें उन्हें काम करना था उसमें एज अ पेशेंट एडमिट करा दिया। अनुराग सर के वार्ड में एडमिट होने के बाद उनके बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए जिनसे कि उनका सुसाइड करने का मन काफी कम हो गया था। बट जब वो वापस से नॉर्मल पोजीशन पे आए, वापस से वो वहां से बाहर निकले वार्ड से और एज अ डॉक्टर काम करने लगे, अगेन उनके अपने सुसाइडल थॉट्स आने लगे एंड 10 जुलाई 2020 को उन्होंने एम्स की हॉस्टल के 10th फ्लोर से जंप करके सुसाइड कर लिया। हाय एवरीवन, आई एम पार्थ, आई एम एमबीए स्टूडेंट और आज की वीडियो में बात करेंगे डार्क साइड्स ऑफ एमबीबीएस, एक ऐसी वीडियो जो कि बहुत कम लोग बनाते हैं और जिसके बारे में आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो मैं अपने ऊपर एक बहुत बड़ा लोड लेके बना रहा हूं। हो सकता है आप में से कई सारे लोग इससे एग्री ना करें, आपको पसंद ना आए, बट दीज आर ऑल माय ओपिनियंस, ऑल माय थॉट्स रिगार्डिंग एमबीबीएस के डार्क साइड जो कि आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली डार्क साइड, बैड हैबिट्स। एमबीबीएस में जब आते हैं तो हमारी बहुत सारी एस्पिरेशंस होते हैं कि हमें बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, हम बहुत अच्छी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, बट स्लोली एंड स्लोली वो हैबिट ऑफ पढ़ाई जो हम नीट की लेकर के आए होते हैं दैट कन्वर्ट्स इनटू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म। रीसेंट स्टडीज के मुताबिक द प्रोफेशन विच इज द मोस्ट प्रिवेलेंस ऑफ स्मोकिंग एंड अल्कोहलिज्म इज डॉक्टर प्रोफेशन। द रीजन इज सो मच स्ट्रेस ऑफ एकेडमिक्स एंड लाइफ, बिकॉज जब आप एमबीबीएस में एंटर हो जाते हो तो आपको 4.5 साल जम के पढ़ना होता है और 1 साल की हैवी इंटर्नशिप करनी पड़ती है आखिर में जाकर के वो एमबीबीएस डिग्री और वो डॉक्टर अपने नाम के सामने लगाने के लिए। एंड एमबीबीएस की पढ़ाई इज नॉट ईजी। जो हम आईआईटीज में सुनते हैं कि इंजीनियर बस आखिरी के 1 हफ्ते आखिरी के 2 दिन पहले पढ़ के भी एग्जाम दे जाते हैं, इन मेडिकल यू विल हैव टू स्टडी ओवर द ईयर और इन द लास्ट 4 मंथ्स एग्जाम के 4 महीने पहले तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, लाइक जैसे हम नीट में पढ़ते हैं उस वाली स्थिति से तुम्हें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब जाके यू विल बी पासिंग द एग्जाम्स नॉट टॉपिंग। और यहाँ पर टॉप करना तो छोड़ो, यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन लाना मतलब 60% से ज़्यादा लाना इज वेरी हार्ड। अगर तुम एक हॉस्टलर हो तो स्मोकिंग और एल्कोहलिज्म एक ऐसी चीज़ है जो कि तुमने लाइफ में एक बार तो ट्राई जरूर करी होगी एंड हॉस्टल्स में दीज आर समथिंग वेरी मच नॉर्मलाइज। हर कोई दूसरा बंदा स्मोकिंग और एल्कोहलिज्म करता है और ये सब चीज़ें एक बहुत नॉर्मल पार्ट ऑफ मेडिकल कल्चर है। सेकेंड और बिगेस्ट थिंग, रैगिंग। रिसेंटली इंडेक्स मेडिकल कॉलेज इंदौर के एक फर्स्ट ईयर के बच्चे ने सुसाइड कर लिया जस्ट बिकॉज ऑफ इस रैगिंग जो कि उसके सीनियर्स कर रहे थे। रैगिंग इज समथिंग जो कि हर कॉलेज के दरवाजे पे लिखा होता है, रैगिंग इज प्रोहिबिटेड, रैगिंग प्रतिबंधित है, जो भी रैगिंग करता है उसको सजा दी जाएगी, बट ऐसा एक भी कॉलेज इंडिया का नहीं होगा जहां पे रैगिंग नहीं होती हो। सम फॉर्म ऑफ रैगिंग इज प्रैक्टिस्ड इन एवरी कॉलेज ऑफ इंडिया, बी इट वर्बल बी इट फिजिकल, एंड इट इज कंसिडर नॉर्मल पार्ट ऑफ मेडिकल कल्चर। ना कुछ कॉलेजेस में बहुत ज्यादा होती है एंड कुछ कॉलेजेस में बहुत कम होती है। थर्ड इज टीचर्स। मेडिकल कॉलेज में जब हम जाते हैं तो हमें बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि अरे वाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, कुछ बढ़िया बढ़िया पढ़ाएंगे, बट थिंग इज इन मोस्ट ऑफ मेडिकल कॉलेज स्पेशली गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड टू टीच यू। इनफैक्ट वो बस आते हैं बोर्ड पर जाकर के बस बोलना चालू करते हैं, किसी को क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है एंड वो बोल करके चले जाते हैं। मेडिकल कॉलेज में बच्चे आ रहे होते हैं नॉट टू अंडरस्टैंड समथिंग बट फॉर फुलफिलिंग देयर अटेंडेंस, जिसको अगर पूरा नहीं किया गया तो उन्हें एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। टीचर्स क्या पढ़ा रहे होते हैं वो 70-80% बच्चों को समझ में नहीं आता है बिकॉज
वो एक बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाते हैं जिसको कि हमारे दिमाग में बैठाना बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो बहुत सारे बच्चे कोशिश करते हैं समझने की, लेकिन वो आखिर में जाके हार मान लेते हैं। एंड इन क्लास व्हाट दे डू इज दे स्टार्ट टू लाइक सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज अब क्या ही कर सकते हैं। फॉर दिस प्रेशर ऑफ फ्यूचर, नीट यूजी क्लियर कर लिया, कॉन्ग्रेट्स, तुम अब एक MBBS डॉक्टर हो। बट ध्यान रखना, अभी केवल तुम MBBS ही हो। एक MBBS डॉक्टर की वैल्यू फर्स्ट और सेकंड टायर सिटीज में लगभग जीरो के बराबर है। कोई भी तुम्हें नहीं पूछने वाला है क्योंकि अभी तुम्हारे पास PG की डिग्री नहीं है एंड तुमने नीट PG क्लियर नहीं किया है। एक केवल MBBS की डिग्री इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल योर ड्रीम्स जो तुमने देखे थे अपने नीट UG के टाइम पे कि अरे वाह सोने की खदानें उग जाएंगी, मैं तो कितना सारा पैसे कमा रहा हूँ। दैट विल नॉट बी द केस इफ यू आर ओनली MBBS। एंड फॉर दैट यू विल हैव टू फाइट अनदर एंट्रेंस एग्जाम जो कि और खतरनाक होने वाला है फ्रॉम नीट UG, दैट इज नीट PG, क्योंकि उसका सिलेबस 19 सब्जेक्ट का होता है एंड उसका सिलेबस इतना बड़ा है जितना नीट UG का के कंपेरेबल भी नहीं है। वो ऑलमोस्ट मोर देन 90% स्टूडेंट जो MBBS कर रहे होते हैं दे अल्टीमेटली गुड फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन जो कि नेसेसरी होती है, नॉट लाइक इंजीनियरिंग जहाँ पे BTech करके भी एक अच्छी जॉब एक अच्छा पे मिल जाता है। यहाँ पर तुम्हें PG करना ही होगा और उसके बाद ही तुम कुछ अच्छा कहीं पे जा पा रहे होगे। एंड अगर उससे भी तुम्हें अच्छा जाना है और बिल्कुल स्टैंड आउट ऑफ द कंपटीशन तुम्हें रहना है तो तुम्हें नीट सुपर स्पेशलिटी करना होगा, जिसको करते करते तुम्हारे लगभग 10 से 15 साल बीत जाएंगे। फिफ्थ इज हैवी इंटर्नशिप। 2 से 3 साल नीट UG की प्रिपरेशन करने के बाद, 5.5 साल MBBS की कठोर पढ़ाई करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है जिसमें तुम्हारा फर्स्ट पे आ रहा होता है जो कि होता है 12,000 रुपए पर मंथ, जिसमें कि तुम्हें दिन भर काम करना होता है। एंड इतनी सारी मेहनत के बाद तुम केवल 12,000 रुपए पर महीना कमा रहे होते हैं जो कि इज वेरी वेरी लेस। अब बात करते हैं रॉकेट की यानी कि सैलरी की। तो इंटर्नशिप में एज ए सेट 12,000 से लेकर तुम्हें 25,000 तक मिलता है, डिपेंड ऑन द स्टेट, बट उसके बाद यू विल बी गेटिंग अ गुड अमाउंट जो कि होता है अराउंड 60-70 के आसपास अगर तुम एक एज MBBS डॉक्टर काम कर रहे होते गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। नाउ अ प्लस पॉइंट हियर इज कि एवरेज डॉक्टर अर्न मोर देन अ एवरेज इंजीनियर। लास्ट इज हेक्टिक शेड्यूल ऑफ MBBS। जब फर्स्ट ईयर में एंटर होते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी क्लासेस विल बी फ्रॉम 8 या 9 AM सुबह से एंड दे विल कंटिन्यू टिल 4 और 5 PM शाम तक, मतलब कि आपका लगभग आधे से ज़्यादा दिन कॉलेज में बीत रहा होगा पढ़ते हुए एंड उसके बाद बहुत कम टाइम मिलेगा आपको एक्चुअल में अगर आप लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हो पढ़ाई के अलावा तो उसको करने के लिए। तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक एक ऐसा टाइम होता है जब ऐसा लग रहा होता है कि हमने नीट में इससे कम मेहनत करी है और अभी हम MBBS में फर्स्ट ईयर में आके कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं जो कि यू विल नॉट बी एक्सपेक्टिंग। तो ओवरऑल यस MBBS काफी हार्ड है लेकिन देयर आर सम प्लस पॉइंट टू इट। आखिर में जाकर के अगर आप सच में लोगों की हेल्प करना चाहते हो और लोगों को एक्चुअल खुशी देना चाहते हो बाय क्योरिंग देयर डिजीजेस, बाय हेल्पिंग देयर लाइक जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ठीक करके, एंड अगर तुम्हें उससे खुशी मिलती है देन MBBS स्टिल द बेस्ट थिंग टू ज्वाइन। एंड डार्क साइड मैंने भले ही बताया हूँ बट दे आर स्टिल लेस देन द पॉजिटिव साइड्स ऑफ MBBS। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। अगर तुम जानना चाहते हो कि इज MBBS रियली हार्ड, क्या उसका करिकुलम हार्ड है या हम बहुत इजिली पढ़ लेते हैं, तो वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।